나무. वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगवा एंड मेरे साथ है नन अदर देन यश सोनी ए के सोल वाइपर जो हमारे चचा है. सो वाइपर पहला सवाल आपको कैसा फीलिंग आता है बीइंग कॉल्ड एज मतलब ऑफिशियली यू आर द ऑफिशियल चाचा ऑफ पबजी मोबाइल इन इंडिया. तो मतलब ये नाम कहाँ से है मुझे मतलब इसके इंसेप्शन जानना है क्योंकि मैं आपसे इतना टाइम से जुड़ा हूँ पर मुझे पता नहीं ये नाम आया कहाँ से. सो बेसिकली ये मतलब जब वो शो था नाम भूल गया मिर्जापुर अच्छा वहीं से निकला था सब चचा चचा बुलाना तो एक बार स्ट्रीम पे ऐसे शुरू कर दिया एंड सब लोग पसंद आ गए तो एक दूसरे तब चचा चचा बुलाने लग गए. हाँ. मॉडल चचा वाइपर चचा सभी चचा बन गए वहीं से. पर ऑफिशियल चाचा तो आप बन गए लास्ट में क्योंकि हम लोग तो चाचा नहीं बुलाते और वाइपर के साथ तो चाचा लगता ही है. वो फिर दूसरे नाम आते गए मॉडल पद्दू बन गया सब चचा ही रह गए. अच्छा पर अच्छा तो वाइपर एक बात बताइए चलिए आप हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यू नो अपार्ट फ्रॉम सोल वाइपर जो यश सोनी है वो कहाँ से आया क्या बैकग्राउंड है मतलब आपने इस जर्नी में अपार्ट फ्रॉम चलिए जो आपकी ड्रीम एक्ट और यहाँ तक की स्टोरी है वो अलग बात है पर इसके पहले कहाँ से आए हो आप एंड अगर पबजी नहीं होता तो आप अभी क्या कर रहे होते. सो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मतलब मैं कॉलेज मेरा एनीवे खत्म हो रहा था जस्ट बीकॉम का फाइनल ईयर चल रहा था एंड आफ्टर दैट आई वाज गोइंग टू डू एमबीए. सो सीए का पहले प्लान था ट्वेल्थ के बाद बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया फिर बिकॉज रीजन थे एंड फिर एमबीए का प्लान बना एंड उसी के टाइम पे ये आ गया पीएमआईएस का टूर्नामेंट एंड आई थॉट दिस वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड वो तो चलते ही रहेगा मतलब हाँ. मैंने सोचा इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लूँ कहाँ तक जा सकता हूँ एंड पढ़ाई तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं बी बी कॉम खत्म हो गया एनीवे एंड बाद में भी बैकअप प्लान तो रखा ही एमबीए का. सो ओके बैकअप प्लान है मतलब. अच्छा तो वाइपर आपके हिसाब से व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर पबजी मोबाइल प्लेयर्स इन इंडिया. यू आर वन ऑफ द बेस्ट थंब प्लेयर्स ठीक है तो दिस इज समथिंग जो देखिए हम लोग एक होता है ना कम्युनिटी में इस चीज़ का एक अलग रिस्पेक्ट रहती है बट अकॉर्डिंग आई हैव सीन यू वाइपिंग आउट अ लॉट ऑफ स्क्वाड्स आपका मैंने असॉल्ट देखा है आपका आई हैव सीन यू डूइंग 1v4s. तो आपके हिसाब से जब आप गेम खेलते हो वो थम वाली फीलिंग थम में खेलने वाली आपको लगता है कि वो कहीं पे हिंड्रेंस है या आपको लगता है कि वो आपके लिए एक एडवांटेज है. आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज मैंने देखा है क्लोज रेंज फाइट्स में क्लॉ वाले प्लेयर्स उतना मूवमेंट नहीं दे पाते तो वो मेरे पास एडवांटेज है मूव एंड शूट का हिप फायर जो है. तो जो भी लोग बोलते हैं कि टू थम्स पे थोड़ा डिसएडवांटेज है जो उनके लिए होगा उनको नहीं जमता होगा मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बेसिकली. तो मुझे टू थम्स पे आई थिंक मतलब मुझे दोनों ही जम रहा था मिड रेंज लॉन्ग रेंज फाइट्स भी जम रही थी एंड क्लोज रेंज भी जम रही थी. सो मैंने बीच में थ्री फिंगर ट्राई किया बट मेरा वो हैंड मूवमेंट मुझे जम नहीं रहा था. सो आई स्टक टू टू फिंगर्स एंड लोग तो बोलते हैं बट एंड में उनको रिजल्ट्स मैटर्स. अच्छा वाइपर हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर ड्रीमहैक 2018. आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पार्ट ऑफ माय लाइफ. मतलब तब तक मेरा कुछ प्लान नहीं था क्या करने वाला था कुछ आइडिया नहीं था एंड बस चल रहा था एंड ड्रीमहैक जो इवेंट हुआ मुंबई में वो हमने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि चारों मुंबई से तो खेल लेते हैं एंड फिर वो क्लिक हो गया एंड फिर यू केम इन एंड द टीम बन गई. सो फिर वहाँ से पीएमआईएस आया एंड वो जीते तो वो एक बहुत बड़ा एक्चुअली वो बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट था ड्रीमहैक से शुरू और वो एक टर्निंग पॉइंट था फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ. मतलब वो लोग पहले बिल्कुल मतलब नहीं समझते थे बिल्कुल. हाँ. उसके बाद फिर पीएमआईएस के बाद यूट्यूब भी शुरुआत मेरी मम्मी को समझने लगा हाउ थिंग्स वर्क इसमें क्या है एंड वहीं से एक्चुअली पूरा चेंज हो गया. सो फ्रॉम आरआईपी वाइपर टू सोल वाइपर. सो वाइपर व्हाट डज सोल मीन टू यू. सोल इज माय लाइफ नाउ एक्चुअली. मतलब आरआईपी में तो वो तो क्लैन था एक हम लोग का फैमिली टाइप क्लैन था एंड सोल में भी जब आए थे तब मतलब कॉम्पिटिटिव का कुछ सीन ही नहीं था तब हम ऐसे ही खेलते थे रैंक पुश करते थे एंड फिर कॉम्पिटिटिव मुझे एक्चुअली कैंपस टूर्नामेंट के टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि टूर्नामेंट्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं पीएमएससी भी आप जब खेल गया आई हैड नो आइडिया. मैंने देखता भी नहीं था मैं उतना फॉलो नहीं करता था मैं तो कैजुअली खेलता था एंड फिर ये सब हुआ एंड रैंक पुश के थ्रू मुझे पता चला प्लेयर्स मिले सारे कम्युनिटी बनी तब पता चला कि इसमें से बड़े 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 प्राइस पूल के टूर्नामेंट्स होते हैं एंड वहाँ से फिर शुरू हुई जर्नी एंड फिर सोल तो साथ था ही एंड वही है. अच्छा वाइपर रिसेंटली आपने यूट्यूब में 42,000 लाइव वॉचिंग को पीक किया था तो आपका उस टाइम क्या फीलिंग था एंड आप अपने व्यूअर्स को उस मुकाम तक आपको पहुँचाने के लिए मतलब आप क्या बोलना चाहोगे एंड आपका पहले फीलिंग बताइए फिर आप उनको क्या बोलना चाहोगे मतलब बिकॉज दैट इज समथिंग जो मी एज एन ऑब्जर्वर एंड यू योरसेल्फ एज अ यूट्यूबर
आप रियलाइज करोगे इट्स अ बिग फीट टू अचीव. 42,000 लाइव वॉचिंग पीक अचीव करना इंडियन ऑडियंस के साथ, इट्स नॉट ईजी. सो वॉट हैज़ बीन योर यूट्यूब जर्नी, और फिर आप मुझे उस फीलिंग के बारे में बताइएगा. एक्चुअली यूट्यूब तो एज यू नो मेरा कोई प्लान भी नहीं था. PMI जीता एंड आप ही ने बोला था कि ये सब आई हैड नो आइडिया बेसिकली. एंड आपने इतना टूर्नामेंट्स इतने खेले हुए, सो आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ. यूट्यूब तो शुरू किया, फिर स्ट्रीमिंग स्टार्टिंग में ऑमलेट टारगेट से करता था, फिर वो थोड़ा अपग्रेड किया. उसके बाद जब ये टूर्नामेंट्स चल रहे थे तब मतलब वॉचिंग मैं उतना देखता नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता था. मतलब बेसिकली मैं एंटरटेन करने के लिए बस फन के लिए खेलता रहता था. एंड दैट नाइट मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, एंड अचानक वॉचिंग बढ़ती गई. एंड चैट में मैं देखते गया 30K हुआ, 40K हुआ, एंड लोग स्पैम करने लग गए. एंड मेरा गेम से एक्चुअली ध्यान हट गया उस गेम. चिकन डिनर आया, इतना कुछ मैं मतलब दिमाग में एक सेकेंड मुझे सोचने में लगा कि दिस इज समथिंग अलग. इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, यू नो स्पेशली व्हेन यू आर स्ट्रीमिंग विद समवन लाइक मॉर्टल, तो यू नो उसके साथ मेजॉरिटी केसेस में वो कभी चिकन डिनर नहीं ला पाता व्हेन ही हिट्स दोज हाइज, के 100K की वॉचिंग है नहीं ला पाते. पर आपने वहाँ पे 42K में अपने लाइफ के हाईएस्ट में अपने चिकन डिनर लाए, आई थिंक बहुत अलग ही फीलिंग रहा होगा. एक्चुअली मतलब बेस्ट फीलिंग मैंने स्ट्रीम खत्म होते ही पता होगा ग्रुप पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि मतलब आई वाज रियली हैप्पी. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस सो मच फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट द जर्नी. सोल का जो भी जर्नी रहा है अब तक, PMI से लेके PMCO से, अब जो ये PMCO फॉल स्प्लिट आ गया है, एंड आई होप यू गाइस विल बी कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो मच. यस. अच्छा तो वाइपर आपका एक इमेज है आपके सारे व्यूअर्स के सामने कि उन लोग देखते हैं कि यू आर अ वेरी सिंपल गाय. सो आपका ये कामनेस एंड कंपोजर कहाँ से आता है? देखिए पबजी मोबाइल एक गेम है, इट्स अ गेम, ठीक है. अल्टीमेटली इट्स अ ई स्पोर्ट. कोई भी स्पोर्ट में यू गेट अग्रेशन, बट मैंने आपको ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन या ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड कभी भी अग्रेसिव नहीं देखा. तो आपके ये कामनेस और कंपोजर का व्हाट इज दैट इट कीप्स यू काम? एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजन इज मतलब मॉर्टल के साथ इतने टाइम से खेल रहे कि एक दूसरे को अडाप्ट कर लिया. मतलब उनके ही प्ले स्टाइल से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपोजर रखना फाइनल सर्कल्स में. मेजर जो इंटेंस सिचुएशन हो जाता है जब इतने सारे स्क्वाड्स बचे होते हैं, तब एग्रेशन में आप कुछ गलत मूव कर दोगे एंड यू कुड लूज दैट मैच. एंड वहीं से मैंने सीखा है कि कंपोजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. किल्स तो मिल ही जाते हैं, बस खुद एंड तक जिंदा बचना है एंड फाइनल सर्कल में धमाल करना है बस. ओके. हैविंग सेड दैट वाइपर, दे हैव बीन रिसेंटली आपके टीम्स में कुछ चेंजेस आए थे, ठीक है. एंड पहले आप RIP के साथ भी खेले हो, आशिक लोगों के साथ, फिर आपने मॉर्टल लोगों के साथ खेलना शुरू किया, फिर अब आप रेगुलेटर्स लोग के साथ खेले हो. तो इन सब जर्नी में व्हाट वुड बी योर आइडियल ड्रीम टीम? ड्रीम टीम इंक्लूडिंग योर सेल्फ? ये एक्चुअली मैंने कभी मतलब इतना गौर नहीं किया. जो टीम में मैं होता हूँ आई ट्राई टू मेक दैट टीम माई बेस्ट टीम. मतलब उन्हीं के साथ खेल के वही टीम को उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ, टॉप पर बस. बहुत बहुत अच्छा जवाब था. अच्छा वाइपर एक सवाल, फ्रेंच फ्राइज और पबजी मोबाइल में क्या चूज करोगे? ये तो दुविधा में डाल दिया. नहीं मतलब मैंने देखा है कि चलो आप आपका मतलब स्टेपल फूड है फ्रेंच फ्राइज, आप बहुत ही फिर भी चूज पबजी खेलते खेलते फ्रेंच फ्राइज. अच्छा अच्छा ओके. वाइपर व्हाई इज मॉर्टल सो इम्पोर्टेंट टू यू? सो बेसिकली जब सोल में मैं आया तब रैंक पुशर्स ही थे, एंड तब एक दूसरे को जानता था. मतलब मॉर्टल को मैं जानता था तब के उसका यूट्यूब था, एंड मेरा कोई प्लान नहीं था. एंड बहुत ही कैजुअल प्लेयर अगर होता मैं, अगर सोल में नहीं होता मैं, आई डोंट थिंक कॉम्पिटिटिव का मुझे जो भी आइडिया आया इसी के थ्रू आया. एंड मॉर्टल हमेशा से साथ रहा, एंड उसके वजह से ही आज मैं मानता हूँ कि जहाँ पर भी पहुँचा साथ में पहुँचे हम. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. अच्छा तो वाइपर RIP टू सोल, आगे कहाँ? सोल भाई तो मतलब टिल डेथ. सोल टिल डेथ, तो जो है सोल है वरना आगे कुछ नहीं. ओके. नेक्स्ट थिंग वुड बी वाइपर, इतने सारे लोग करियर अपना, काफी लोग आप लोग जैसे यहाँ तक पहुँच चुके हो, बट देर लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी करियर को अपना स्टार्ट भी नहीं किए. सो वॉट वुड बी एडवाइस जो आप उन व्यूअर्स या उन जो एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम अ गेमर या टू बिकम एन प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर, प्रोफेशनल कंपिटिटिव प्लेयर, वट जैसे कि बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, आपका कोई प्रॉपर गेमिंग बैकग्राउंड नहीं था, बट यू हैव रीच सच आई थिंक सट अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. सो वॉट इज दैट एडवाइस या लर्निंग जो आपने इतने टाइम में सीखा दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद योर व्यूअर्स? सो देखो पहले तो मेरे टाइम पे जब था तब कंपिटिटिव का सीन नहीं था, तब रैंक पुश करके एक दूसरे के नज़र में आते थे. अब रैंक पुश का आई थिंक उतना क्रेज नहीं है. अब जो भी है कंपिटिटिव में टूर्नामेंट्स में नई नई टीम्स आती हैं, नई नई टीम्स का नाम सुनते हैं, एंड
उभर के जो बाहर आती है वो टीम परफॉर्म कर जाती है पबजी के ऑफिशियल टूर्नामेंट में, तो उनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, मतलब वहीं से उनका ग्रोथ चालू होता है। तो पहले तो आई थिंक यू शुड फॉर्म वन टीम, जो आपका चार लोग का जो केमिस्ट्री है अगर अच्छा है तो वो टीम बनाओ एंड प्रैक्टिस टुगेदर, प्ले कस्टम्स टुगेदर एंड ग्राइंड करो एंड रिजल्ट्स अपने आप ही दिखेंगे। एंड आई थिंक जैसे ही ये लेटेस्ट आप बात करेंगे PMIT जो अभी हुआ, जो रिवेंज की लाइनअप थी, तो वही एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो लोग पूरा ग्राइंड करके अपनी मेहनत से ऊपर आए एंड दे ज्वाइंट 8-bit या एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मतलब बेसिकली वही बात है कि यू नो प्लेयर्स को दे शुड जस्ट स्टे फोकस्ड, यस फोकस रहनी चाहिए, ग्राइंड रहनी चाहिए, अल्टीमेटली इवेंचुअली थिंग्स विल पे ऑफ। या ओके सो वाइपर मेरे आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि अभी तक आप लोग ने सारे टूर्नामेंट जीते हैं, ठीक है, अगर आपको एक पहली हार मिलती है तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वुड कम टू योर माइंड एंड व्हाट वुड बी योर जर्नी उसके बाद, लाइक हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली बोलूँ तो फर्स्ट हार फेस कर ही लिया था बर्लिन में, तो वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल कंपटीशन था। सो अगर इंडिया की बात करी जाए तो अभी काफ़ी टीम्स नई नई है, बहुत कंपटीशन प्रीवियस PMC से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बार। एवरी टूर्नामेंट में कंपटीशन बढ़ते आता है एंड तब भी हम ये दिमाग में रख के नहीं खेल रहे थे कि जीतना है जीतना, मतलब जीतना तो ऑब्वियसली है बैक ऑफ द माइंड, बट जीतना सोच के हम अपने गेम पे इफेक्ट नहीं होने देते, बिकॉज वो दिमाग में रख के ना बहुत कभी कभी गलत मूव हो जाता है गेम के अंदर। तो बस कंपोजर रखना एंड जो हुआ वो विल एक्सेप्ट द फेट एंड जो भी हुआ मतलब रिजल्ट जो भी आया विल बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज हमने उतनी मेहनत की है तो जो मेहनत की है उस हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। ओके वन लास्ट क्वेश्चन, सोल को रिप्रेजेंट करने का क्या प्रेशर रहता है? प्रेशर तो मतलब आई डोंट थिंक उतना प्रेशर हम लोग लेते भी हैं, मॉर्टल भी मैंने देखा है, मतलब प्रेशर नहीं, एक्चुअली क्राउड का जो सपोर्ट होता है स्पेशली लाइव इवेंट्स में वो बहुत बूस्ट करता है। बिकॉज एक एग्जांपल दूंगा, PMSC में जो एक टीम थी वहीं की, ताइवान की एक टीम थी, वो नॉर्मल प्रैक्टिस मैचेस में उतनी मतलब वो लोग बेस्ट टीम में कंसिडर नहीं करते थे, बट जैसे ही मैच चालू हुआ, मेन मैचेस चालू हुए, फर्स्ट मैच वो लोग सेकंड आए, सेकंड मैच भी सेकंड आए एंड थर्ड में वो लोग ने चिकन डिनर लिया, ऐसे कुछ तो मतलब दे वर कमिंग इन द top 3 कॉन्स्टेंटली एंड वो क्राउड के सपोर्ट के वजह से लोग पूरा उनकी टीम का नाम चिल्ला रहे थे एंड दे आर गेटिंग दैट बूस्ट। सो बूस्ट मॉरल बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में। तो प्रेशर मैं कहूंगा मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मुझे वो आज तक कभी प्रेशर फील नहीं हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो, वही वही बात है। कि मतलब आप लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते हो यस एंड यू रेदर इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर बूस्टिंग योर मोरल। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस की उम्मीदें तो देर इज समथिंग वी कैनॉट स्टॉप, बट देन उम्मीदों को यूज़ करके यूजिंग इट एज अ मोरल बूस्टर वो बहुत बड़ी बात है। ओके गाइस, बहुत मजा आया वाइपर आपके साथ ये शॉर्ट इंटरव्यू करके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। पर गाइस दिस वॉज जस्ट द एपिसोड 1 एंड इसके बाद हम आएंगे वाइपर के साथ वापस एक क्विक रैपिड फायर फन राउंड के लिए जो कि होगी अगली एपिसोड में। पर तब तक गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब करना ना भूलिएगा क्योंकि वरना आप मिस कर जाओगे वाइपर की जब मैं बुम बाम बुम इस पे शॉर्ट्स डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। स्काउट वो तो मेरी ड्रीम गर्ल है। रेवन के बारे में आपका क्या कहना है? इसको तो मैं 1v1 में हर बार मारूंगा। स्काउट।